आज हम सीखेंगे कि घर में मौजूद चीज़ों से बार बार इस्तेमाल करने वाला सैनिटरी पैड कैसे बनाया जाता है। इसे बनाने के लिए आप पुराने कपड़े जैसे कुर्ता, टी शर्ट, लेगिंग, चादरें और तौलियों का यूज़ कर सकते हैं। इसके लिए सूती यानी कपास से बना कपड़ा सबसे अच्छा रहेगा। ज़रूरी बात, आपको कुछ ऐसी चीज़ की भी ज़रूरत होगी जो कि गीलापन को अच्छे से सोख सके। आज जो पैड हम बना रहे हैं उसके दो हिस्से हैं, एक बाहरी हिस्सा और दूसरा केवल कपड़े का टुकड़ा जिसे हम मोड़कर अंदर रख सकें। दूसरे हिस्से के लिए तौलिया या टी शर्ट का टुकड़ा ज़्यादा अच्छा रहेगा जो कि गीलेपन को अच्छे से सोख सकता हो। घर पर पैड बनाने की सबसे अच्छी बात यह है कि आप विभिन्न सामग्रियों का प्रयोग करके ये तय कर सकते हैं कि आपको क्या पसंद है और आपके लिए क्या सुविधाजनक है। महावारी के दौरान कम से कम 4 पैड की ज़रूरत होती है। मुझे 7 या 8 पैड का इस्तेमाल करना ठीक लगता है क्योंकि इससे यूज़ करने से पहले पैड को अच्छे से सूखने का पूरा समय मिलता है। तो आइए अब हम पैड बनाना शुरू करते हैं। पैड बनाने के लिए सबसे पहले हम उसका ढांचा बनाएंगे। एक नियमित या दिन में इस्तेमाल करने के लिए 9 इंच लंबा ढांचा बनता है और एक रात या भारी बहाव के लिए 11 इंच लंबा ढांचा बनता है। इस वीडियो में मैं दिन के समय यूज होने वाले पैड बनाऊंगी जो कि 9 इंच लंबा होगा। एक A4 साइज का कागज लीजिए और उसे लंबाई में बीच से मोड़ लीजिए। कागज को खोलकर मध्य में बने निशान पर इंची टेप रखिए और 9 इंच नापकर दोनों छोर पर निशान लगा लीजिए। एक निशान हम बीच में 4.5 इंच पर लगाएंगे और फिर 6 और 3 इंच पर भी निशान लगाएंगे जो कि सेंटर से 1.5 इंच की दूरी पर होंगे। पैड के विंग्स यानी पंख बनाने के लिए अब हम दूसरी दिशा में कागज को नापेंगे। मध्य से दोनों ओर 3.5 इंच पर निशान लगाएंगे। इसी तरह हम पंख के चारों कोने बना लेंगे। पैड का मुख्य भाग लगभग 3 से 3.5 इंच चौड़ा होगा। अब हम बनाए गए निशानों को मिलाकर पैड की रूपरेखा मतलब ढांचा बना लेंगे। अब शीट को आधा मोड़कर उस पर बनाए गए पैटर्न को काट लें और ये पैड का ढांचा तैयार हो गया है। अब हम बनाए हुए ढांचे के अनुसार कपड़े को काटेंगे। यहाँ मैं एक पुरानी टी शर्ट और पैंट के कपड़े का उपयोग कर रही हूँ। इसे तैयार करने के लिए कपड़े के टुकड़े को काटिए और समतल रखें और निशान लगाना शुरू करें। आप ढांचे को कपड़े पर रखकर पेन, पेंसिल, चॉक या स्केच पेन से पैटर्न बना लीजिए। अब हम दूसरे कपड़े के साथ भी यही प्रक्रिया दोहराएंगे। फिर हम ध्यान से दोनों टुकड़ों को काट लेंगे। अब हमारे पास पैड का ऊपरी और निचला हिस्सा है। हम एक को दूसरे के ऊपर बड़े ही सफाई से रखेंगे और उनको पिन या सुई के माध्यम से साथ में जोड़ देंगे ताकि वह सिलाई करते समय एक साथ रहें, इधर उधर ना जाएं। तो अब हम सिलाई के लिए तैयार हैं। सुई में धागा डालने के बाद अपने धागे को माप लें। मेरी सलाह से अपने हाथ की दोहरी लंबाई का धागा लें और आधा मोड़ लें ताकि सिलाई करते समय धागा उलझे ना और आपको परेशानी ना हो। धागे को काटकर दोनों छोरों को मिला लें और गांठ बांध लें। पैड बनाने के लिए हम बैक स्टिच सिलाई का तरीका इस्तेमाल करेंगे क्योंकि ये अच्छा और मजबूत तरीका है। आप सुई को कपड़े के एक तरफ से दूसरी तरफ ले जाएं, जब तक गांठ कपड़े पर ना आ जाए। इस छेद को हम ए कहेंगे। अब हम सुई को कपड़े से ऊपर की तरफ दोबारा लाते हुए ए के आगे एक दूसरा छेद बनाएंगे जिसे हम बी कहेंगे। फिर हम सुई को वापस ए छेद में डालेंगे और धागे को खींचकर छेद बी के आगे
नीचे से ऊपर की ओर हम एक और छेद बनाएंगे जिसे हम सी कहेंगे। सुई को वापस छेद बी से नीचे लाएंगे और सी के आगे छेद डी में उसे डाल के ऊपर की तरफ ले आएंगे। आगे हम इसी प्रक्रिया को दोहराते रहेंगे और इस तरह एक नया छेद बनाएंगे ई। हमें इसी तरह टाके लगाते लगाते पूरे पैड के चारों तरफ सिलाई कर लेनी है। जब हम सिलाई करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिखता है। आप अपने टाके जितने छोटे रखेंगे वे उतने ही मजबूत होंगे। अगर आपका धागा किसी भी समय खत्म हो रहा हो तो आप गांठ बनाकर धागे के नए टुकड़े के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हैं जहां आपने छोड़ा था। सिलाई पूरी करने के बाद अंत में हम एक गांठ बना देंगे ताकि सिलाई खुले नहीं। आप एक ही छेद में एक दूसरे के ऊपर दो या तीन टांके लगाकर गांठ को सुरक्षित करें। और बचा हुआ धागा काट लें। तो अब हमारे पैड का बाहरी हिस्सा तैयार है, लेकिन अब हमें इसे पलटना होगा। हम सारी सेफ्टी पिन्स निकाल लेंगे और सावधानी से सामने और पीछे के टुकड़ों को एक दूसरे से अलग करके पीछे के हिस्से में एक 4 इंच का कट लगाएंगे। आप इस कट के चारों तरफ एक सिलाई भी लगा सकते हैं जो इसे फैलने या फटने से बचाएगा। अब हम कपड़े को पलट लेंगे। अब आप तौलिया या टी शर्ट का टुकड़ा लें, इसे मोड़ दें और पैड के अंदर रख दें। आप अपनी आवश्यकता अनुसार इसे मोटा बना सकते हैं। आप पंख या विंग्स को पिन के माध्यम से जोड़ सकते हैं। अगर आपके पास बटन या हुक है तो आप पंखों पर उन्हें टांग भी सकते हैं। तो बस अब ये इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। अपने पैड को हर 4 से 6 घंटे में बदलना याद रखें, जैसे आप एक डिस्पोजिबल पैड के साथ करते हैं। पैड को इस्तेमाल करने के तुरंत बाद उसे कम से कम 30 मिनट के लिए ठंडे पानी में भिगोएं। गर्म पानी का प्रयोग न करें, इससे खून के दाग पड़ सकते हैं। पैड को साबुन से अच्छी तरह धोएं और सूखने के लिए धूप में छोड़ दें। ध्यान रखें, ये कदम बेहद महत्वपूर्ण है। सूरज की किरणें बैक्टीरिया को मारती हैं और आपको संक्रमण होने से बचाती हैं। मुझे यकीन है आप में से कुछ लोग शर्म महसूस कर रहे होंगे कि कहीं कोई आपका पैड ना देख ले, लेकिन याद रखिए, महावारी पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसमें शर्म करने की कोई बात नहीं है, लेकिन अगर आप शर्म महसूस करते हो तो आप सूखने के दौरान इनके ऊपर एक पतला कपड़ा
रख सकते हैं। एक बार जब वह पूरी तरह सूख जाए तो वह फिर से उपयोग करने के लिए तैयार है। आपको कभी भी ऐसे पैड का उपयोग नहीं करना चाहिए जो थोड़ा भी नम या गीला हो। आपको इस तरह संक्रमण होने का खतरा हो सकता है। आप इन पैड का बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कपड़ा फट ना जाए। ये आपके पैसे बचाता है, आपके शरीर के लिए अच्छा है और हमारी पृथ्वी के लिए भी लाभकारी है। मुझे इन पैड्स में सबसे अच्छी बात ये लगती है कि बाजार में मिलने वाले डिस्पोजेबल पैड की तुलना में ये अधिक आरामदायक है। डिस्पोजेबल पैड प्लास्टिक और रसायनों से भरे होते हैं जो वास्तव में हमारे शरीर के लिए हानिकारक हैं। चूंकि ये पैड कपास यानी कॉटन से बने होते हैं, इसीलिए ये हमारे लिए प्राकृतिक और ज्यादा स्वास्थ्यप्रद है जब तक हम इसे अच्छे से धोते और सुखाते हैं। डिस्पोजेबल पैड को जमीन में समाने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, तो इस तरह हम अपनी पृथ्वी को भी प्लास्टिक से दूषित नहीं कर रहे हैं। और चूंकि हम इन पैड्स को बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, तो हम हर महीने पैड पर खर्च होने वाले पैसे भी बचा सकते हैं। अब जब आप सीख गए हैं कि घर पर अपने पैड कैसे बनाएं और उनके बारे में क्या क्या अच्छी बातें हैं, आप दूसरों को भी सिखाइए, अपने दोस्त बहने माँ उन्हें भी सिखाइए कि ये कैसे बनता है। एक बार जब आप अपना पैड बना लें और इस्तेमाल करें तो मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट के माध्यम से अपना फीडबैक जरूर।